नमस्कार आदि दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं भाग्यश्री और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर फरानास। तो पहले डॉक्टर साहिबा का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर सेगमेंट पर। और आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये भी एक आम समस्या है और कई बार हम लोगों को देखते हैं कि उन्हें पेट में दर्द की शिकायत रहती है और वो अक्सर जब भी चेकअप कराते तो पता चलता है कि कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कभी किडनी में स्टोन है। तो किडनी के स्टोन की बात करें हम, किडनी के स्टोन, अगर किडनी में स्टोन बनता है तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कितना ये खतरनाक हो सकता है, ये पहले बताइए हमें। किडनी स्टोन जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ही कॉमन हो गया है, क्योंकि एक ये जो है वो हम लोग तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो तो पानी वगैरह बहुत कम पी रहे हैं, फ्लूइड बहुत इंटेक कम हो रहा है, काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं लोग, जो भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है या फ्लूइड इंटेक लेन करना है, इसकी वजह से ये कॉमन हो जा रहा है। ये दरअसल होता कैसे है पहले आप ये जानिए। ये जो है वो पेशाब, जो हम पानी कम लेते हैं, पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, मतलब पेशाब जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो गाढ़ा पेशाब किडनी या ब्लडर में बहुत देर तक स्टोर रहता है, जिसकी वजह से ये एक क्रिस्टलाइज के फॉर्म में, ये जो क्रिस्टलाइड होता है वो फॉर्म करता है और वो छोटे छोटे क्रिस्टलाइड आपस में जुड़कर एक बड़ा स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो हमें जो है वो ध्यान देना होगा कि पानी हम सारे दिन में कितने ले रहे हैं। ऐसे तो गर्मी के सीजन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी एकदम मस्ट है, वो लेना ही है आपको, कि ताकि आपका पेशाब गाढ़ा ना हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो एंटासिड इस्तेमाल करते हैं लोग, आज की जो डेली लाइफ है उसमें लोग क्या करते हैं, ज़रा सा गैस का प्रॉब्लम हुआ, जैसे एसिडिटी हुई, एक एंटासिड खा लिए, तो वो एंटासिड के इस्तेमाल से आप बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका रीज़न है स्टोन के लिए। फिर लोग क्या करते हैं, अपने से मेडिकल स्टोर से कैल्शियम, विटामिन डी ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैल्शियम, विटामिन डी ये सब इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी एक स्टोन के फॉर्मेशन में मदद करती है, कैल्शियम और विटामिन डी। इसके अलावा इन्फेक्शन है बहुत सारा, पेशाब जो है आपके, आप जो रोक के रख रहे हैं बहुत देर तक, तो वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो वहाँ एक इन्फेक्शन होता है जिससे आपको इन्फेक्टिव स्टोन आपके ब्लडर में या किडनी में बन सकता है। तो ये सब ध्यान देना होगा थोड़ा। तो मतलब एक तो खास वजह जो मुझे समझ में आई कि खाना पीना, हमारा जो हम खा रहे हैं, हमारा जो डेली इनटेक हो गया खाने पीने का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किडनी स्टोन फॉर्म हो रहा है, लोगों को इस तरह से किडनी में प्रॉब्लम हो रही है एंड आगे जाकर और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले रहे हैं, या किडनी फेलर हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने में खाने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर आप दूर कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसको हम, इसमें जो है किडनी स्टोन जो है इसको पहचानेंगे कैसे, आप अक्सर देखेंगे कि हम बैठ के काम कर रहे हैं, बैक एक हो रहा है, लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि हम बैठ के बहुत देर काम किए वो बैक एक हो रहा है, लेकिन ये इसको आम ना समझिए। अगर ये बैक एक आपके कमर के निचले हिस्से में हो रहा है और इसमें पेशाब में आपकी जलन है, कभी कभी खून आ जा रहा है या मवाद आ जा रहा है, तो आप इमिडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये स्टोन के आसार हैं। ये सब आपको ये बताते हैं कि आपको स्टोन प्रॉब्लम है, लेकिन लोग सोचते हैं नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, वो उसको नेग्लेक्ट ना करें। तो इसको आप पहचानने के लिए सबसे बड़ा है कि आप यहाँ पे पेन होते हैं किडनी के नीचे हिस्से में, इसके अलावा पेशाब में जलन होती है, फिर खून आता है, तो ये बहुत सारी वजह हैं। फिर एक और भी वजह हो सकती है, वो किडनी का जो पोर्शन है बैक में वो फूल जाता है, जिसको लम्ब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो ये 4-5 वजह हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी आपको महसूस हो रहा तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल, और यहाँ पर ये सारे मतलब सिम्टम्स है जो हमें ध्यान में रखने की, अगर ये सारी चीज़ें हो रहे तो प्लीज़ कैजुअली ना ले, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट। जनरली ये होता है कामकाजी लाइफस्टाइल में, लोगों को कमर दर्द हो रहा है, वो दवा लगा ले, थोड़ा स्प्रे कर लिया, आराम कर लिया, बट देन वो चलता रहता है, लोग उसको बहुत अवॉइड करते हैं, वो सोच नहीं सकते कि शायद ये किडनी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये हम जानना चाहेंगे, क्या इसमें ऐसा है कोई एज ग्रुप है, ज्यादातर इस एज में ज्यादा हम देखते हैं प्रॉब्लम, या महिलाओं में ये ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की चीजें हैं इसमें? इसमें एज ग्रुप तो नहीं बोल सकते, ये किसी को भी हो सकता है जो पानी कम ले रहे हैं, उनमें तो खास तौर से ये प्रॉब्लम आ ही सकती है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन भी आ सकता है और सब, और फिर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है यूरिन, उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइट फॉर्म कर ही सकते हैं। तो कोई एज ग्रुप इसमें नहीं बोल सकते। आप इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप इसमें ना लें, बस ये आप कर सकते हैं। तो आप इसमें हर तरह की जो साग होती है, मेनली जो पालक की साग होती है वो ना लें, कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें,
उसके अलावा आप टमाटर जो बताएं वो भी आपको ये क्रिस्टोलाइट फॉर्म कर में ये देती है, वो ना लें। फिर कैल्शियम के लिए आप अनियन वगैरह जो प्याज खाते हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। तो और कैल्शियम की जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर के से पूछ के ही लें कि कितनी कैल्शियम आपको ज़रूरत है। विटामिन डी ना लें, और विटामिन ए को की मकदार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप, और पानी ज़्यादा करके इस्तेमाल करें। तो इसमें दवाइयाँ किस तरह, अगर किडनी में प्रॉब्लम होती है, स्टोन बनते हैं, तो दवाइयाँ किस तरह से मत करें, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा और तभी स्टोन निकलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो किडनी हटानी पड़ेगी। तो दवाइयाँ कितनी है इसमें, कितनी हेल्पफुल होती हैं होम्योपैथिक में दवाइयाँ? अगर आपके स्टोन जो है वो इनिशियल है, छोटे टाइप के हैं, यूरेटर से निकल सकते हैं वो स्टोन, तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, आप मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए और पानी ज़्यादा करके पीजिए, वो यूरेटर से निकल जाते हैं। और अगर बड़ी भी है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, दवाई के ज़रिए तोड़ते हैं, तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में, इसमें थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी निकल जाता है मेडिसिन के ज़रिए। और एक बार कहा जाता है कि किडनी इन्फेक्टेड हो गई या गॉल ब्लैडर इन्फेक्टेड हो गया तो बार बार चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के, इसलिए आप अगर इसमें ऑपरेशन करा रहे हैं तो आपको बार बार ऑपरेशन कराना होगा, इसलिए आप मेडिसिन पे ही ध्यान दें इसमें, और मेडिसिन लें। और कुछ खाने पीने में जो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारी होती है ये जो स्टोन है उसमें, आप रेनल फेल्योर देखते हैं, फिर कभी कभी कैंसर, वो स्टोन रह के वहाँ पे कैंसर फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपको बैक एक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप डॉक्टर से एक मशवरा लें। आप होम्योपैथी दवाई में इसमें ले सकते हैं बर्बरिस बल्ग नाम की एक दवा है जो स्टोन के हर फॉर्म में काम आती है, मदर टिंचर के हिसाब में ले सकते हैं इसको। इस बर्बरिस बल्ग को 6 और 30 पोटेंसी में भी 3 से 4 बार सारा दिन में ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी लेफ़्ट किडनी यहाँ पे असर करती है इस दवाई में, तो लेफ़्ट किडनी में अगर स्टोन है और वहाँ पे बैक में पेन है, और ये पेन जो है किडनी से होकर सामने लोअर एब्डोमेन में आ रहा है, फिर ये थाई में यानी जांग में चला जा रहा है, और पेशाब में जो है वो बालू के जैसे, अगर बच्चा पेशाब भी करता है तो डायपर पे देखिएगा बालू के जैसे रहेंगे, तो वो यहाँ पे वो दवाई काम करती है, बच्चा पेशाब के दौरान रोता भी है यहाँ। इसके अलावा आप लाइकोपोडियम 200 पावर में ले सकते हैं, ये राइट साइड की स्टोन में, किडनी में स्टोन है अगर, तो उसमें बहुत अच्छी काम करती है इस दवाई को। इस दवाई में क्या होता है कि आप एग्रेवेशन देखिएगा 4 से 8 के दौरान ज़्यादा पेशेंट परेशान होता है किडनी स्टोन से, पेन ज़्यादा होती है, और इसमें ये भी तकलीफ है कि जो जो पेशाब में जो बालू आते हैं, जो क्रिस्टल आते हैं यूरिक एसिड के, वो रेड कलर के होते हैं। तो ये 2 दवाई आप कॉमनली ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाई है, एक कैंथरिस 6 है वो ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पेशाब के करते वक्त भी जलन होती है, पेशाब से पहले भी जलन होती है, करने के बाद भी जलन होती है, तो वहाँ कैंथरिस 6 जो है वो 3 से 4 बार लीजिए, आपको बहुत आराम होगा। बिल्कुल, तो ये सारी दवाइयाँ थी, और बिल्कुल प्रिकॉशन रखना है। खाने पीने का भी कोई खास ध्यान, कुछ खास डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है? मेनली आप यहाँ पे जो डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है तो आप साग वगैरह मना किए, पालक की साग तो ले ही ना। इसके अलावा आप पानी को ज़्यादा करके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूरिन को जितना डाइल्यूट कीजिएगा स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है तभी ये क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। राइट, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि पानी की मात्रा जो है आपको बॉडी में एकदम बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा बैलेंस रहेगी, फ्लूइड इंटेक जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये स्टोन्स फॉर्म होंगे और फिर शायद एक कैंसर का भी रूप ले ले, तो ताकि और ज़्यादा खतरनाक ना हो ना। पानी की मात्रा हमेशा 12 महीने आप बैलेंस रखें, चाहे गर्मी हो या ठंड हो या बारिश हो, आपको हमेशा पानी की मात्रा बॉडी में बैलेंस रखनी है। खाने पीने का भी खास तौर पर ख्याल रखना है कि खाना जो है वो सही तरीके से हजम हो, क्योंकि अगर खाना हजम नहीं होगा तो ये जाकर स्टोन फॉर्म करना शुरू करेगा आपकी किडनी या आपके पेट में, इसलिए खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। और फराह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और किडनी स्टोन के बारे में तमाम जानकारी के, आई एम श्योर कि अब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे। एब्सोल्युटली, तो हम उम्मीद करते हैं कि किडनी स्टोन जो है एक आम समस्या है, और इससे आपको कैसे खुद को बचाना है वो अब आप समझ गए हैं कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, इसलिए प्लीज़ पानी को अवॉइड ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें,
फ्लूइड इंटेक जो है बॉडी का वो ज़्यादा ले, ताकि आपके बॉडी में वाटर जो बैलेंस है वो सही रह सके और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ना हो। और अगर होती भी है तो सिम्टम्स भी हमने आपको बताए हैं, कमर में दर्द हो रहा है आपके, लोअर साइड में, तो प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट करें। और होम्योपैथिक में काफ़ी बेहतरीन दवाइयाँ हैं, तो आप वो दवाइयों से पूरी तरह से इसे ठीक कर सकती हैं। तो आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेल करिएगा response@taazatv.com पर। रखें अपना ख्याल, फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आधी दुनिया।